फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं डेली और डेली में मिलने आ गई हूँ मैं स्वाति से और स्वाति से तो हम लोग सब को मिलने मिल चुके हैं और हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और देख रहे कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा स्वाति कुमारी और हम लोग निकले हैं आज डेली घूमने के लिए। तो एग्जैक्ट लाल किले के सामने हूँ मैं और हम लोग के साथ पूरा कंप्लीट वीडियो में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग लाल किला पहुँचने के बाद ये देखे कि टिकट के लिए बहुत लंबा सा लाइन लगा हुआ था और हम लोग के पास ना टाइम था ना ही पेशेंस था इतने लंबा लाइन में खड़े होकर टिकट लेने के लिए। और रीज़न था कि संडे था। तो फिर हम लोग क्या किए, उधर देखे कि QR कोड स्कैनर अवेलेबल है। तो फिर हम लोग तुरंत उस QR कोड से स्कैन करके हम अपना टिकट ले लिए। अगर आप लोग भी कहीं कहीं जा रहे हैं तो ये वाला टेक्निक ज़रूर अप्लाई करिए ताकि आप लोगों को इतना लंबा लाइन में खड़े होना भी नहीं पड़ेगा और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप अंदर जाने के बाद अच्छे से सारे प्लेसेस कवर करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग टिकट ले लेते क्योंकि हम लोग ऑनलाइन से भी लेते, उसके बाद हम लोग आगे आगे जा रहे थे और आगे अंदर तक जो मेन गेट का एंट्रेंस रहता है आपको अराउंड 1 किलोमीटर तक ऐसे ही बाई वॉक जाना पड़ेगा। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि आप जब एंट्री करोगे उधर आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा और उसका जो मेन गेट है उधर के एंट्रेंस में आपको और एक टिकट काउंटर मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टिकट काउंटर में ही अपना लाइन में खड़े हो के अपना टाइम बर्बाद कर दिए हैं तो आप अंदर जाने के बाद आपको बहुत अफसोस होगा। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको लाल किला या रेड फोर्ट के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि द रेड फोर्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। और जहाँ से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री उधर से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और आप लोगों को ये स्पेस दिख रहा होगा जो कि मेन जो बाउंड्री से थोड़ा डिस्टेंस में और एक बाउंड्री जैसा दिख रहा है, वो जो स्पेस है उसको अपना सेफ्टी के लिए बनाया गया था उस जमाने में। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप लोग प्लेस देख रहे हो ये था लाल किला का एंट्री प्लेस जिसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हो जो कि बनाया गया था 17th century में। इसका आर्किटेक्चर और डिजाइंस देख के आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि उस जमाने में भी कितने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हुआ करते थे और इसलिए तो हमारा इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया है जहाँ पर हम इंडियंस के साथ साथ बाहर के कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं और इंडियन कल्चर से, इंडियन आर्किटेक्चर से, इसे इंडियंस हिस्ट्री ऐसे बहुत कुछ देखते हुए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग एंट्री कर चुके थे जहाँ पर हम लोग को मिला बहुत सारे शॉप्स और जहाँ बहुत सारे हैंडक्राफ्ट आइटम्स मिल रहे थे, कुछ कुछ होम डेकोर आइटम्स ऐसे कुछ मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छा था दिखने में। और आप लोग को अगर पसंद है कुछ ख़रीदने के लिए तो आप अभी ख़रीद भी सकते हैं और ख़रीदते हुए फिर हम लोग भी ऐसे कुछ विंडो शॉपिंग्स किए फिर आगे आगे चलते गए। और आगे जाने के बाद हम लोग को कुछ ऐसे पैलेस मिले और बहुत सारे ऐसे गार्डन्स मिले और हम लोग चल पड़े थोड़ा मोर एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को पता है ये जो रेड फोर्ट है यानी लाल किला है इसको 17th century में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनाया था जिसका कंस्ट्रक्शन 1638 में स्टार्ट होकर 1648 में कंप्लीट हुआ था और तब अराउंड 200 ईयर्स तक मुगल सम्राटों ने राज किए थे इंडिया के ऊपर। और ये जो लाल किला है ये बनाया गया था रेड सैंडस्टोन में और इसलिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है और अकॉर्डिंगली इसका नाम भी लाल किला रख दिया गया था। लेकिन मौसम सही है ना। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग का लाल किला घूमना हो गया बट इतना सारा प्लेसेस है घूमने के लिए कि हम लोग को इतना मेहनत लग रहा है कि और पेशेंस नहीं है अभी अभी क्योंकि और बाकी हम लोग को बहुत सारे कुछ प्लेसेस कवर करना है और आज एक ही दिन में कवर करना है। तो अभी नेक्स्ट हम कहीं और जा रहे हैं, फिर अब हम जा रहे हैं
आपको तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जैसे कि आप लोग कभी बाहर से देखे थे कि ये बड़े बड़े वॉल्स बाउंड्री वॉल्स जैसे घेरा हुआ है और जिसका हाइट अराउंड 33 मीटर्स होगा जो कि अराउंड 2.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या आप लोग को पता है शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने के लिए लाल कोट का रीबिल्ड कराया था जिसके बाद ही इसका नाम लाल कोट से लाल किला पड़ गया। लाल किला का कंप्लीट एरिया 256 एकड़ में है जिसका पहले पार्ट के अंदर टूरिस्ट के लिए देखने लायक जगह अवेलेबल है और जिसमें देवाने खास, देवाने आम, रंग महल, नौबत खाना, मोती मस्जिद और म्यूजियम रखा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में कितना गर्मी होता है और कितना ठंड भी। हाउएवर फरवरी से मार्च और सितंबर टू नवंबर तक का टाइम सही रहता है दिल्ली घूमने के लिए और बाकी टाइम में अगर आप आओगे तो आप नहीं गर्मी सहन कर पाओगे नहीं ठंडी सहन कर पाओगे। और लाल किला में इवनिंग में लाइट शो और साउंड शोज भी होता रहता है, आप अगर कभी इवनिंग में जा रहे हो तो वो भी एंजॉय करके आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी कि हम लोग को और भी कुछ प्लेसेस जाना था घूमने के लिए, तो एक ही प्लेस में हम लोग ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाए तो हम अच्छे से घूम नहीं पाए और हम लोग निकल के चले गए। और जाने के टाइम पे मुझे ये वाला टनल मिला था जहाँ पर इतना अच्छा वॉल आर्ट बना गया था कि मुझसे रहा नहीं गया। इतना अच्छा सा वॉल डेकर क्या हुआ है ये तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। और ये कम्प्लीट टनल ऐसे ही वर्ली आर्ट, मंडाला आर्ट, इसी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर्स में पूरा का पूरा डेली डिस्क्राइब किया गया था जो कि बहुत ही अच्छा था। सो फ्रेंड्स, लाल किला के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस थे कि जहाँ पर मैं खुद घूमने जा नहीं पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे मिला था एक ही संडे घूमने के लिए और उसके बाद मैं खुद जा नहीं पाई तो मैं आप लोग के साथ वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। और जो लोग मेरे इस चैनल में न्यूली विज़िट किए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकॉन है उसमें भी जाकर क्लिक करें और उधर सारे ऑप्शन से ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कुछ भी वीडियो मेरे इस चैनल में अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोग के साथ और एक न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करें जो दिल्ली जाने वाले हैं और या जा चुके हैं और मुझे सजेस्ट भी करें कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊं तो क्या क्या प्लेसेस मैं मिस करती हूं और मुझे वो सारे प्लेसेस कम्प्लीटली विजिट करना है और देखना भी है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दे दीजिए, लाइक और शेयर तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।